नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है माउस। इसमें आप देख रहे हैं राइट बटन और एक है लेफ्ट बटन, बीच में जो है उसे बोलते हैं स्क्रोल बार। इसके नीचे एक लाइट चलती उसे बोलते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, आज हम सीखेंगे माउस की तीनों बटनों का यूज़ करना। एक एक करके हम देखेंगे कि इसकी बटन कैसे काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट बटन कैसे काम करती है। चलिए हम देखते हैं। अगर हम लेफ्ट बटन है माउस की जो कर्सर है इसको हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट बटन जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा और हमें इससे जो भी ओपन करना है सॉफ्टवेयर हम उसे लेफ्ट बटन दबाकर ओपन कर सकते हैं। और ऐसे जो आइकॉन दिख रहे हैं इस पर ही हम डबल क्लिक करके, बिना रुके हुए डबल क्लिक करके कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है, अब हम सीखेंगे राइट बटन का यूज़। राइट बटन का यूज़ भी लेफ्ट बटन की तरह ही होता है, लेकिन इसके में क्या है कि जैसे ही हम राइट बटन किसी आइकॉन पर आकर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं। हम जैसे ही ओपन पर लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि स्क्रोल बार कैसे काम करता है। स्क्रोल बार काम करता है कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब जैसे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे रूलर। इसको हम क्या है कि हमारे माउस की हेल्प से अप डाउन करा सकते हैं। एक तो हम इसको ऊपर नीचे करके और एक स्क्रॉल से हम इसको ऊपर नीचे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज़ बटन है, इस पर भी हम लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे ये क्लोज़ हो जाएगा।